एक्सपेरिमेंट 13 है, एसी कपल्ड एम्पलीफायर है जी हमने बनाना। जो ये सिंपल जो हमने एसी एम्पलीफायर्स देखे हैं जो सारे, उन्हीं की तरह का ये एम्पलीफायर है, मगर इसमें हम जो ट्रांजिस्टर यूज करते थे फॉर एम्पलीफिकेशन, उस ट्रांजिस्टर की जगह पे यहाँ पे हम 741 जो एम्पलीफायर है, ओप एम्प जो है वो यूज करेंगे फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पज। है ये भी एसी एम्पलीफायर है, मतलब इसकी इनपुट पे हम एसी देंगे और आउटपुट पे हमें एसी ही मिलेगी, मगर वो एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें मिलेगी। तो ये आप लोगों के सामने इसकी जो सर्किट डायग्राम है, इसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस बन सकती हैं, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों में डिफरेंस जो होगा वो सिंपल यही होगा कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसकी एसी इनपुट हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जो है उसमें और इनपुट में फेज डिफरेंस आएगा। अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट और इनपुट दोनों इन फेज होंगे, उनका फेज सेम होगा। जो गेन है वो डिपेंड करता है जी इसकी फीडबैक रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस 1 है इसके ऊपर। ये इसका जो गेन फाइंड करने का फॉर्मूला है, आर एफ ओवर आर एन आर वन, मतलब इनकी जो दोनों रेजिस्टेंसेस की जो रेशो होगी उस रेशो पे जो है वो गेन आपका डिपेंड करेगा, या उस रेशो के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा गेन आएगा इस एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर का जो वर्किंग फिनोमिना है वो यही है कि इसमें यूजली जो सप्लाई यूज की जाती है इस एम्पलीफायर को या ओप एम्प को पावर अप करने के लिए, वो एक सप्लाई यूज की जाती है। इसमें जो ये मैंने पर्पल कलर में हाईलाइट किया टेक्स्ट को, ये -15 वोल्ट्स आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करने, ये -15 वोल्ट्स जो है ये गलती से यहाँ पे लिखे गए। आपने जो ओप एम्प को पावर अप करने के लिए, आपको पता है दो सप्लाईज की यूज जो जरूरत होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो एसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है इसमें सिंगल सप्लाई यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं जी, एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं। तो हम इसमें पॉजिटिव सप्लाई यूज करेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका वो ग्राउंड करेंगे। तो जिस टर्मिनल पे आप इनपुट दे रहे हैं उसके इन्वर्टिंग पे या नॉन इन्वर्टिंग के, तो दूसरा जो टर्मिनल होगा उसे आप रेफरेंस वोल्टेज पे सेट करेंगे। वो रेफरेंस वोल्टेज वही होगा जो आपका ये नेगेटिव सप्लाई वाला जो टर्मिनल है, जो वोल्टेज यहाँ पे होता है। चूंकि ये नेगेटिव सप्लाई वाले टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया, इसलिए रेफरेंस भी क्या होगा, ग्राउंडेड ही होगा। अब ये इसमें जो C1 कैपेसिटर है ये कपलिंग के लिए यूज किया इनपुट की, और Cout जो कैपेसिटर है ये आउटपुट की कपलिंग के लिए हमने यूज किया। इन कैपेसिटर्स का काम क्या है जी, डीसी जो कंपोनेंट्स अगर आए इनपुट में और आउटपुट में उनको ब्लॉक करना। अब इसकी वर्किंग क्या है जी, इसमें हमने इनपुट अप्लाई करनी है एसी, इस एम्पलीफायर ने उस एसी को एम्पलीफाई करना है और हमें आउटपुट पे देना है। इनपुट पे हमने एसी अप्लाई किया, एसी अप्लाई करके आउटपुट जो है इसकी आउटपुट हमें जो लोड के अक्रॉस मिलेगी वो एम्पलीफाइड होगी। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है जी, इस एक्सपेरिमेंट में हमने इनपुट अप्लाई करनी है एसी 50 मिली वोल्ट पीक टू पीक की, 50 मिली वोल्ट पीक की, और इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हमने इसका गेन चेक करना है सिर्फ। ये आपका टेबल है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपने रखनी है इनपुट की, आपने 100, 1 किलोहर्ट्ज, 10, 100 और 1 मेगाहर्ट्ज पे इसके जो है वो गेन चेक करना है। इनपुट आपका जो है वही होगा 50 मिली वोल्ट्स, इन्वर्टिंग पे आप अप्लाई करेंगे जो वोल्टेज, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं वो आप चेक करेंगे यूजिंग डीएमएम। डीएमएम लगा के आप देखेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे डीएमएम का और एक टर्मिनल आप कनेक्ट करेंगे उसका ग्राउंड के साथ। नॉन इन्वर्टिंग को आपने ग्राउंड किया हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 0 मिलेंगे वहां पे। आउटपुट पे आपने मैयर करना है यूजिंग डीएमएम, और गेन आपने देखना है गेन कैसे मिलेगा आउटपुट और इनपुट की रेशियो करके। आपने ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इस एम्पलीफायर का गेन चेक करना है, जिस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीफायर आपको मैक्सिमम गेन दे रहा होगा वो उसकी मिड बैंड फ्रीक्वेंसी हो।
इसमें किया क्या है हमने, पहले जो हम एम्पलीफायर्स बनाते रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में और पहले वाले एम्पलीफायर्स में डिफरेंस क्या है जी? इसमें ये डिफरेंस है कि पहले वाले एम्पलीफायर्स में हम ट्रांजिस्टर यूज करते रहे, ट्रांजिस्टर यूज करते थे और उसको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्ट करके हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर देखा, कॉमन कलेक्टर, डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स देखे। अब इसमें सिर्फ हमने यूज किया 741 को एज एम्पलीफायर। पहले दो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए जो उसमें हमने 741 की इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस देखी और उसमें हमने एडर और सबट्रैक्टर बनाया। अब सिर्फ हमने क्या करना है, 741 को यूज करते हुए एम्पलीफायर बनाना है जी। यही आपका एक्सपेरिमेंट है इसका, जिसमें आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इनपुट देके आउटपुट चेक करनी है। जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम गेन मिले, मतलब आउटपुट और इनपुट की रेशियो मिले, वो आपकी क्या होगी जी, वो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो गेन है ये सारा मैयर्ड होंगे। अगर आपने गेन कैलकुलेटेड फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और वो क्या है जी, वो रेशियो होगी फीडबैक रेजिस्टर और R1 की। ये नेगेटिव साइन इसके साथ जो फॉर्मूला के साथ आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज जो है वो डिफरेंस होगा इनपुट और आउटपुट में। ये सिंपल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का, एक्सपेरिमेंट 13, जिसमें 741 को आज एम्पलीफायर आप लोगों ने यूज करना है। सर इसके इस बाद जी, सर उसमें हमने डीसी यूज किया था वोल्टेज, और इसमें एसी यूज करेंगे क्योंकि कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनपुट पे एसी अप्लाई करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट आप लोगों का एक्सपेरिमेंट 14 है। एक एक्सपेरिमेंट 14 में आप लोगों ने जो फीडबैक है, फीडबैक का आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों ने देखना है जी। सिंपल हमने वोल्टेज एम्पलीफायर्स देखे हैं डिफरेंट, आपने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स देखे हैं जिसमें हम फीडबैक यूज नहीं करते थे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आपका एक होगा जिसमें आप लोगों ने फीडबैक जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसके दो तरह के आप लोगों के सर्किट्स हैं जी इसमें, और फीडबैक में डिफरेंस क्या आएगा ये भी बताता हूँ। ये आपके पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें पहली जो स्टेज है ये भी कॉमन एमिटर है, दूसरी जो स्टेज है ये भी कॉमन एमिटर है। कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन स्टेजेस हैं दो, आप लोगों को पता है R1 और R2 वोल्टेज डिवीजन बायसिंग के लिए है। यहाँ पे RC और RE जो रेजिस्टर्स हैं ये आपका 50% ऑफ VCC को ड्रॉप करवाने के लिए। आपने ये दो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को कपल किया आपस में यूजिंग CC, ये जो कपलिंग कैपेसिटर है ये वाला। पहले की जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट के तौर पे जो है वो एक्ट करेगी। तो ये आपका सिंपल आपका ओपन लूप एम्पलीफायर है। ओपन लूप एम्पलीफायर मतलब इसमें आप लोगों ने जो फीडबैक है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। पहला आप लोगों का क्या है जी इसमें कॉन्सेप्ट, कि आपने ओपन लूप एम्पलीफायर एक बनाना है, उस ओपन लूप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का आप लोगों ने गेन चेक करना है। ये ओपन लूप एम्पलीफायर, ये पहला सर्किट आप लोग बनाएंगे इस सर्किट के लिए। ये पहला इसका टेबल जो है, ये पहला टेबल आप लोग कंप्लीट करें, ये वाला। इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आप लोग इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ये OL लिखा हुआ है यहाँ पे, ये OL का मतलब है ओपन लूप गेन। फिर आप इसका ओपन लूप गेन देखेंगे। ओपन लूप गेन कैसे आपने चेक करना है, ओपन लूप वाले सर्किट में जो आपको आउटपुट मिली है उसको इनपुट के साथ आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो ये ओपन लूप आपका गेन होगा ओपन लूप सर्किट का। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आप लोगों ने इसका ओपन लूप गेन चेक करना है, फिर उस गेन को आप लोगों ने dBs में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को पता है गेन को dB में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके पास गेन आएगा उस वैल्यू को आप 20 log करेंगे, उसको 20 log कर दें तो वो आप लोगों का गेन dB में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग करेंगे क्या, पहले ये ओपन लूप मल्टी स्टेज आपके जो एम्पलीफायर्स हैं ये वाला सर्किट आप लोग कनेक्ट करेंगे। इसकी इनपुट पे आप लोग 50 mV का एक सिग्नल देंगे, 50 mV का सिग्नल आएगा, और पहले उसकी फ्रिक्वेंसी 100 Hz रखेंगे और उसकी आउटपुट चेक करेंगे। अब उसके बाद आप लोग उसका गेन फाइंड करेंगे यूजिंग ये वाली जो रेशियो है आउटपुट ओवर इनपुट, फिर आप लोग उसका dB में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में उसी सर्किट में सिर्फ आप इनपुट की क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी
चेंज करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे, आउटपुट आप चेक करेंगे, आउटपुट और इनपुट की रेशियो करेंगे और उस गेन को डीबी में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट सर्किट में आप लोगों ने क्या करना है जी, ये इसकी नेक्स्ट स्टेज, दूसरी स्टेज आ गई, ये वाला सर्किट। इसमें हमने एक फीडबैक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसमें ये जो है ये आपके सामने ये फीडबैक हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये वाला, ये सीरीज फीडबैक हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप लोगों को पता है फीडबैक किस पर्पस के लिए होता है जी, जब हम फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वोल्टेज जो गेन एम्पलीफायर का वो उसका गेन इंप्रूव होता है, और दूसरा सर्किट की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी उसकी इंप्रूव होती है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है जी, इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या, हमने हमने सिर्फ ये फीडबैक का जो रोल है ये चेक करना है। पहले हमने ओपन लूप इसको बनाया, ओपन लूप मतलब हमने फीडबैक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उसमें हमने उसके गेन्स देखे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। फिर हमने वही सर्किट बनाया मगर अब इसमें हमने फीडबैक इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जब हम फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमने ये कहा है कि फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाने से होता क्या है जी, फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाने से जो गेन है सर्किट का वो इंप्रूव होता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि फीडबैक इंट्रोड्यूस करवा के हमने जो डिफरेंट गेन्स फाइंड करने हैं, ये दूसरा आपका टेबल है, फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फीडबैक इंट्रोड्यूस करवा के आप लोग ये क्लोज लूप, अब ये क्लोज लूप किसे कहते हैं जिसमें फीडबैक आ रहा हो, अब आप इसका क्लोज लूप गेन फाइंड करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को। आप कंपेयर करेंगे ओपन लूप और क्लोज लूप गेन्स को तो आप लोग ये देखेंगे कि जब हमने फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाना है, फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाने से जो गेन है सर्किट का वो इंप्रूव होगा, सर्किट जो है उसका गेन हमें क्या होगा, इम्प्रूव्ड मिलेगा। तो ये इसमें हमने फीडबैक का जो रोल है ये चेक करना है कि अगर हम सर्किट के अंदर फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से उसके गेन पे क्या डिफरेंस आता है, उसके गेन में क्या फर्क पड़ता है। तो ये दो आपके छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में करना, मल्टीसिम पे ही है मगर इनकी वैल्यूज इस एक्सपेरिमेंट में प्रिंट करके हाथ से लिख के आप लोगों ने, तो ये हार्ड फॉर्म में लास्ट 4 एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने सबमिट करने, और ये चारों एक्सपेरिमेंट्स आप कल लेके आएंगे, चार एक्सपेरिमेंट्स आपके जो 11, 12, 13, 14, ये चारों एक्सपेरिमेंट्स आप लोग हार्ड फॉर्म में लेके आएंगे कल।